सुमित पहले तो 18 अक्टूबर सफर काफी अमेजिंग रहा है आपका, उसके लिए पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। आपसे जानना चाहूंगा किस तरह से आपके ये 18 हफ्ते बीते। मेरी 18 हफ्ते बहुत मुश्किल दौर से भी गुजरी हूँ मैं इन हफ्तों में, और उसके साथ साथ बहुत खुशी के पल भी बताए हैं। दोस्ती की है, सच्ची दोस्ती निभाई है, कुछ जगह गलत हुई हूँ, गलती हुई है, गलती सुधारी है, तो एक तरह से वो लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है, एक लाइफ लेसन मिला है। जितनी भी गलत चीज़ें हुई सब घर के अंदर वापस वहीं पर छोड़ के आई हूँ, और जितनी भी अच्छी अच्छी सीख मिली है वो सब दिल के अंदर रख के घर से बाहर आई हूँ, तो बस उस चीज़ की खुशी और कुछ नहीं। रिसेंटली अभी हमने देखा कि शिव ने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि हिंदू जो है वो अगर यहाँ तक पहुँची है वो सिर्फ साजिद जी की वजह से पहुँची है, वरना वो मंडी में तो कभी वो रखना नहीं चाहते थे, उसकी ब्रांड हमेशा निमृत रही और फैल रहा है, बट वो साजिद के दया की वजह से यहाँ तक आई है और हम लोगों को रखना पड़ा, क्या बोलना चाहिए आप? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, दोस्त क्या मैं तो भाई मानती हूँ, मेरा भाई है, और उसने ऐसी अगर कोई चीज़ बोली है, इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, शायद कोई चीज़ उसको मेरी कही हुई या मेरा कोई एक्शन उसको हर्ट किया होगा, सो इसीलिए मुझे लगता है कि शायद उसने ऐसा कुछ बोला, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें शिव मीन करेगा जेन्युइनली, बिकॉज मैंने इसके साथ मैं रही हूँ इतने वक्त तक, उसने मुझे जितना प्यार दिया है तो वो मैं ये नहीं बोल सकती कि वो नहीं चाहते थे या जो भी है, चलो ठीक है स्टार्टिंग में नहीं चाहते होंगे, लेकिन अभी जो मैं उनसे जुड़ी थी मैं वो फील कर सकती थी कि इन लोग को भी मुझसे दिल से मोहब्बत है जितनी मुझे है, तो आई थिंक बाहर आने के बाद काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, यहाँ पे कोई गेम नहीं होगा। आई थिंक कि मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया, क्योंकि ऑफकोर्स लेकिन एक पेरेंट को अगर वो अपने बच्चे के साथ कुछ गलत होता हुआ देखेंगे तो कोई भी पेरेंट हो, चाहे मेरे पापा ही क्यों ना हो, वो बच्चों के लिए खड़े रहेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल वो उनके बच्चे हैं, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने बच्चों को बचाने के लिए, जो हर एक पेरेंट करेगा अपने बच्चे के लिए, जो मैं मानती हूँ, तो आई थिंक कि हाँ वो मुझे आए थे समझाने के लिए, पहली बार मैं समझ नहीं आई, दूसरी बार समझाए, तो वो मेरी गलती थी जो मैं पहली बार समझ नहीं पाई, पर दूसरी बार मैंने गलती नहीं की, मैंने गलती सुधार ली, तो सही था सब। फिर अगर आपके फादर की बात हो रही है, जब वो आगे बिग बॉस खत्म होने के बाद शादी में जब बाहर आते तो आप मैं जेन्युइनली दोस्ती नहीं रखना चाहूँगी, बिकॉज मैंने दोबारा कभी दोस्ती की नहीं, और जितनी बातें हुई वो सिर्फ इसलिए आई गई क्योंकि वो कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, दया आई ऐसा कुछ नहीं, पर वो मेरे दोस्तों के साथ बैठ रहे थे, मंडली उनको सपोर्ट कर रही थी तब, पर मेरा एक रीज़न है कि मैं उनसे बात नहीं करती हूँ, तो उस वक्त मैं, लेकिन मेरे पास और कोई है नहीं दोस्तों के अलावा बात करने को, सो आई टू सिट देयर, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ उनसे बतियाती रहूँगी, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि वो आके बैठेंगे तो मैं उठ के चली जाऊँगी, तो आई थिंक उन्होंने उसके बावजूद मुझे जितना हर्ट किया है और मेरे दोस्तों को इतना उनके उन्होंने इतना सपोर्ट किया शालिनी को, उसके बावजूद उन्होंने जितना हर्ट किया है दोस्तों को भी, मुझे नहीं लगता कि अगर मेरे पापा शायद बोल भी दे तो मैं दोस्ती रखूँगी, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ उस घर के अंदर एक्सपीरियंस की है। He's a very nice guy. It's okay. It's all right. It's just that कि उन्होंने मुझे hurt किया है, तो मेरी तरफ से ये चीज़ है। बड़ा भी कई बार सुन रहे हैं शालिनी के मुंह से, वो हमेशा ही बोलते थे कि अरे यार मंडली सुंदर का इस्तेमाल कर रही है, तो समझ नहीं रही है, मतलब एक इमेज को लेके काफ़ी कॉन्शियस है आपकी, मतलब एज ए फ्रेंड मुझे हमें लगता था कि जैसे वो कहीं ना कहीं वरी करते हैं आपकी इमेज को लेकर। आई थिंक अगर उनको इतना ही ज़्यादा फिक्र होती मेरी इमेज की तो वो शायद टीना का मुंह बंद करा देते जब वो मेरे बारे में अनट्रेंड बोल रही थी, तो बोलना बहुत आसान होता है लेकिन कई बार होता है कि आपके एक्शंस आपके वर्ड से मैच नहीं करते। ये इट इज़ अ वेरी फनी टॉपिक टू टॉक अबाउट आई गेस, बिकॉज ये बड़ी फनी चीज़ है यार,
क्योंकि मुझे नहीं, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है. अगर शालीन के एक्शंस ने मुझे हर्ट किया है, टीना के एक्शंस ने मुझे हर्ट किया है, और शालीन कोई छोटा बच्चा नहीं है कि टीना बोलती जाएगी वो करता जाएगा. वो अलग इंसान है, टीना अलग इंसान है. हाँ, कुछ चीज़ें उनके रही होंगी, उनके आपस में कान भरना, शालीन कान के कच्चे हैं ये मैं मानती हूँ, वो मान जाते हैं, बातों में आ जाते हैं. पर ठीक है, नहीं नहीं ओके सर, इस्तेमाल किया है क्योंकि हर बार आपका मजाक उड़ाना आपके फादर को लेके, आपके डांस मूव को लेके, कहीं ना कहीं इन चीजों को लेके, मतलब एक ये होता है ना कि बुली करना आपको हमेशा करना, आपकी इमेज कहीं ना कहीं इस चीज से आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो मतलब मेरे हिसाब से बुली एक बहुत बड़ा शब्द है. ये बुली करना वो एक बहुत गलत चीज़ हो जाएगी, बहुत नेगेटिव शब्द है ये. पर मैं इतना कहना चाहूँगी कि मैं उस घर के अंदर रही हूँ, मैंने देखा है कि अंदर कैसा माहौल होता है, कैसा एनवायरनमेंट होता है, कितनी नेगेटिविटी होती है झगड़ों के चलते, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना, एक दूसरे को बुरा भला बोलना. तो मैंने वहाँ पर रहते हुए वो चीज़ें देखी हैं, वो चीज़ें फील की हैं. इतनी नेगेटिविटी अपने पास मैंने पहली बार फील की है, लेकिन उसी वक्त में सिर्फ एक साजिद सर और अब्दू हैं जो सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, चाहे वो मेरा ही मजाक क्यों ना बनाए. पर अगर मेरा मजाक बन रहा है और उससे मेरी पूरे दोस्त जितने हैं वो सब हंस रहे हैं, इनफैक्ट मुझे भी हंसी आ रही है, तो हम जब एक नेगेटिव माहौल को पॉजिटिव वाइब में कन्वर्ट कर रहे हैं, आई डोंट थिंक कि उसमें कुछ बुली जैसा है. एंड एज मच एज आई नो माई फादर कि उन्होंने ये कुछ भी गलत तरीके से नहीं लिया, ये मजाक बनाना ये सब, मैं खुद बोलती हूँ कि मेरे पापा उस तरीके से बात भी नहीं करते. वो उनका एक नज़रिया है, देट थिंक कि क्योंकि मेरा जो बात करने का तरीका है, आई स्पीक थोड़ा थोड़ा उर्दू बोलती हूँ, थोड़ा हिंदी बोलती हूँ, तो उनको ऐसा लगता है कि मेरे पापा राजा महाराजा हैं, तो इस तरीके से बोलते हैं. बट ये सब एक फन स्पिरिट में हुआ था, ये ऐसा कुछ नहीं है जो इतना मिसकंसेप्शन हुआ. अलग नहीं होती थी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब वो जब चीज़ हुई थी, स्टैन और शालीन का झगड़ा हुआ था, जब मुझे ऑब्सेसिव बोला गया था, बहुत चीज़ें हुई थी, उसके बाद कन्फेशन रूम वाला कॉल हुआ, वो कॉल सब लोगों ने देखा, जैसा रिएक्शन सब लोगों का आया, फमान आया घर के अंदर, तब मैंने एकदम सबसे वो एक डिस्टेंस बना लिया था. जब तक फैमिली वीक आया, अगर आप लोगों ने ये देखा है कि मैं बात कर रही थी, आई थिंक आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि शालीन ने आके अप्रोच किया कि हम बात करेंगे 2 मिनट बैठ के, मेरा आंसर था नो. आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट. मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों ने बाहर कितना देखा, पर मैं, मेरा दिल जानता है, मैं जानती हूँ कि मुझे जितनी चीज़ें बोली गई थी उसके अलावा मैंने जितनी चीज़ें अंदर एक्सपीरियंस की हैं, मैंने उसके हिसाब से एक जजमेंट बनाया और उस हिसाब से मैं अभी तक वहाँ पर रही हूँ. और एंड तक आई थिंक जो चीज़ें मुझे जेन्युइनली हर्ट हुई हैं वो मैं बातें नहीं छोड़ सकती हूँ. मैं आई कैन फॉरगिव बट आई कैन नेवर फॉरगेट. कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को बचाने के लिए, अपने बच्चा उनका गलत जगह पे जा रहा है, गलत लोगों के साथ है, तो कुछ भी कर जाएंगे. अगर मेरे डैड के अलावा कोई और भी होते तो वो भी यही करते, किसी की मॉम होती वो भी यही करती, तो वो एक पेरेंट है, वो ऑफकोर्स करते. मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं पर भी कुछ गलत था, इट इज कम्प्लीटली जस्टिफाइड एंड आई डोंट थिंक इसमें कुछ भी गलत है. प्रियंका ने आपको हमेशा सपोर्ट किया है, अभी रिसेंटली उन्होंने टिकट के फिनाले में भी सपोर्ट किया, बट क्या आपको नहीं लगता कि प्रियंका आगे, मतलब आपने शायद इतना अच्छा फ्रेंड, आपकी बॉन्डिंग नहीं हुई उनके साथ, तो क्या आगे आफ्टर दिस शो, मतलब आपकी बॉन्डिंग या आपकी फ्रेंडशिप लगती है आपको, क्योंकि वो आपसे हमेशा उस मंडी ग्रुप में सिर्फ आपसे ही बात करती थी. वो क्यों करती थी, उसका भी एक कारण है, क्योंकि मैं उनसे बहुत नॉर्मली बात करती थी, मेरा उनसे कभी कुछ झगड़ा नहीं हुआ. पर रही बात वो एक टास्क में, टिकट टू फिनाले वीक के टास्क में मेरा साथ देने की, सो आई डोंट थिंक कि उसमें कुछ उनको मुझ पे प्यार आया, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था. उसके पहले से हमारी भी बहस चल रही है, मेरी और प्रियंका की, बहुत नेक्स्ट लेवल वाली बहस हुई है जब नॉमिनेशन हुआ, जब मैं रोई हूँ बहुत ज़्यादा. तो आई थिंक उसके बाद वो बहुत ज़्यादा एविडेंट था कि उन्होंने वो जो भी किया या वो मेरा साइड ले रही थी, बिकॉज वो नहीं चाहती थी कि निमृत को टिकट टू फिनाले वीक मिले. इट वॉज वेरी एविडेंट. और उसके साथ साथ उससे दो निशाने लग रहे थे, एक तीर से कि मंडली के बीच में फिर ये मंडली टूट सकती है, झगड़ा हो सकता है, पर वैसा कुछ भी नहीं हुआ. मैं उनको गलत नहीं बोल रही हूँ,
वो बहुत सही है, वो बहुत कैलकुलेटिव है, बहुत अच्छी प्लेयर है, पर आई थिंक जब गेम नहीं रहेगा आसपास तब सिचुएशन बहुत अलग होगी। ये बताइए टॉप थ्री में आप किसको देख रही हैं, ईमानदारी से बताइएगा, मंडली ग्रुप से बाहर। एक सवाल इससे पहले, सुमूल काफी लोगों का कहना है कि आपको नागी ऑफर होने वाला है इन फ्यूचर, कितनी सच्चाई है इस बात में? मुझे भी नहीं मालूम नहीं सच्ची, मतलब मुझे नहीं पता चला, मैं कैसे बोल दूं, सॉरी नहीं, पर मुझे नहीं पता अभी। बट आपको अगर इन केस इन द फ्यूचर गेट टू ऑफर क्या रहेगा आपका? आई थिंक इट्स अपॉन माय फादर आल्सो, मेरे मतलब जो मेरा मानना है मैं करना चाहती हूं, उसके साथ साथ पापा क्या चाहते हैं, व्हेन देन वी विल डिस्कस, जो दोनों को सही लगेगा वो करेंगे। या टॉप 3 में किसको देखना चाहेंगे? ऑनेस्ट आंसर प्लीज। ओके, ऑनेस्ट आंसर, मंडली के बाहर, ओके, शिव निमृत स्टैन। आपने प्रियंका का नाम नहीं लिया, और काफी लोगों का कहना है कि वो कलर्स फेस से प्रियंका तो कलर्स फेस का मैं क्या करूं? नहीं क्या है? नहीं, लेकिन अच्छा ठीक है, चलो एक चीज मैं बहुत क्लैरिफाई कर रही हूँ, अगर किसी को ये लग रहा है कि आई एम बीइंग वेरी बायस्ड टुवर्ड्स माय मंडली, या ऑफ कोर्स दे आर माय फ्रेंड्स, आई लव देम अलॉट, पर उसके साथ साथ ये तीन लोग ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा डिफरेंट रहे हैं। निमृत अपनी लीडरशिप क्वालिटीज के लिए, उसने जिस तरीके से कैप्टनसी निभाई है हर बार उसको मिली है। शिव हर एक झगड़े में जो ह्यूमर लाता है, हर एक झगड़े को मस्ती में बदलता है, वो उस तरीके के लिए जो वो डिफरेंट है। और स्टैन उसके एक अलग अंदाज के लिए जो लोगों ने आज तक बिग बॉस में नहीं देखा है। मेरी नजर में वो मेरे दोस्त है, वो मेरी मेरी दोस्ती है, आप मानती है, ठीक है, मैं मानती हूँ, मेरे दोस्त है भाई। थैंक यू सो मच, हमसे बात सुनो, आपने विनर का नाम दे दिया स्टैन। कुछ फर्क पड़ा क्या?